गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर सोशल स्टडीज बुक फॉर ग्रेड 3 एंड आई एम योर टीचर मिस हुमैरा अनवर। टुडे इज माय 18th लेक्चर। इन दिस लेक्चर वी विल रीड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन ट्रांसपोर्ट पार्ट 3। स्टूडेंट्स टेक आउट पेज 38 third part, we will read of the topic transport. Here is the topic road safety. Thousands of people live in large cities. Hazaron log bade shehron mein rehte hain. People have to go from place to place. Logon ko ek jagah se dusri jagah jana padta hai. Adults go to work. जो बड़े जो बालिग लोग होते हैं उन्हें काम पर चलना पड़ता है। चिल्ड्रन गो टू स्कूल और बच्चे स्कूल जाते हैं। यानी जब लोग शहरों में हज़ारों की तादाद में चाहे सैकड़ों की तादाद में रहते हों तो कहीं ना कहीं लोगों को जाना पड़ता है। बड़े लोग काम पे जाते हैं और छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं। ट्रैफिक इज़ ऑलवेज ऑन द मूव। रश ट्रैफिक नकल व हमल हमेशा हरकत में ही रहती है। ट्रैफिक का मतलब क्या है? जब बहुत सी गाड़ियाँ किसी चीज़ को आप यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए तो ये सारी मूविंग में ही होते हैं। यानी हर टाइम कोई ना कोई रश होता रहता है रोड पे। रोड्स आर वेरी बिजी इन द मॉर्निंग। सुबह को ये सड़कें बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहती हैं। व्हेन पीपल गो टू वर्क, जब लोग काम करने जाते हैं। एंड इन द इवनिंग, और शाम में। व्हेन दे गो होम, जब वो घर वापस आते हैं। हेयर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ बिजी रोड। हेयर इट इज़ अ बिजी रोड, पीपल आर वॉकिंग एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैफिक हेयर। एवरी वन ऑन द रोड, सड़क पर हर कोई। वेदर दे आर ड्राइविंग, चाहे वो ड्राइव कर रहे हैं, चाहे वो गाड़ी चला रहे हैं, राइडिंग या सवार हो रहे हैं, मोटरसाइकिल्स और बाईसाइकिल्स, मोटरसाइकिल्स पर या बाईसाइकिल पर या साइकिलों पर, और वॉकिंग या चल रहे हैं, मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स। उन्हें ट्रैफिक के उसूलों की के पाबंदी करनी होगी, उसे मानना पड़ेगा, ओबे में मानना। दीज रूल्स आर मेड टू कीप एवरी वन सेफ। ये उसूल इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हर किसी को सेफ, हर किसी को महफूज बनाया जा सके। एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, और एक्सीडेंट्स मीन हादसात से बचा जा सके। यानी ये रूल किस लिए बनाए जाते हैं? रोड के लिए, पैदल चलने वालों के लिए, साइकिल वगैरह मोटरसाइकिल पर सवार होने के लिए, या कोई जो बड़े व्हीकल्स वगैरह मोटर वगैरह होते हैं तो इनके लिए क्यों चलाए जाते हैं? उनके लिए इसलिए चलाए जाते हैं ये उसूल ताकि हर कोई सेफ रह सके। ट्रैफिक रूल्स आर सेट आउट इन अ बुक कॉल्ड द हाईवे कोड। ट्रैफिक रूल्स जो होते हैं, ट्रैफिक के जो उसूल होते हैं, वो एक ऐसे बुक में, एक ऐसी किताब में सेट आउट में तरतीब दिए जाते हैं या ये रखे जाते हैं टू कॉल्ड हाईवे कोड, जो कि उसका बुक क्या कहलाता है, हाईवे कोड, शाहरा का कोड। यानी कुछ कोड उसमें बने होते हैं कि अगर ये कोड आ जाए तो इसका मतलब क्या है, अगर ये आ जाए। थर्ड लास्ट पैराग्राफ इज ब्रेकिंग ट्रैफिक रूल्स इज पनिशेबल बाय लॉ। यानी इन ट्रैफिक के उसूलों को तोड़ना क्या है, वो कानून के ज़रिए से वो सजावार ठहराया जाएगा। लास्ट पैराग्राफ, पीपल हु वॉक अलोंग ऑन अ फुटपाथ आर पेडेस्ट्रियंस। वो लोग जो कि चलते हैं किस चीज़ पर, फुटपाथ पर, वो क्या कहलाते हैं, पैदल चलने वाले। पेडेस्ट्रियंस मीन पैदल चलने वाले। व्हेन यू वॉक टू स्कूल, जब आप स्कूल पे स्कूल की तरफ जाते हैं, चलते हैं, यू आर अ पेडेस्ट्रियन, तो आप पैदल चलने वाले हैं। पेडेस्ट्रियंस हैव टू बी वेरी केयरफुल। पैदल चलने वालों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, बहुत मोहतात रहना पड़ता है। यानी जब आप स्कूल जाते हैं तो आपने रोड पर चलते हुए बहुत एहतियात करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है फुटपाथ पर। Now students turn to the next page 39. Here are some rules for a pedestrians. Here are some rules for all pedestrians.
यहाँ पर सब पैदल चलने वालों के लिए उसूल हैं। फॉलो द रूल्स, इन उसूलों को आप अपनाएं एंड दे विल हेल्प यू टू कीप सेफ, और ये आपको महफूज रखेंगे, महफूज रखने में मदद करेंगे। यानी अगर आप इन उसूलों पर चलेंगे तो आप बहुत महफूज रह सकते हैं, अगर आप इन पर अमल करें, फॉलो करें इन रूल्स को। नंबर वन, ऑलवेज क्रॉस द रोड एट ज़ेब्रा क्रॉसिंग और अ सेफ प्लेस। हमेशा क्रॉस द रोड, रोड को पार करें एट ज़ेब्रा क्रॉसिंग, जो आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो होती है वो बनी होती है, और अ सेफ प्लेस या किसी महफूज जगह पर। यानी सबसे पहले आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग या किसी महफूज जगह पर खड़े होकर रोड को क्रॉस करना शुरू कर दें। नंबर टू, बिफोर क्रॉसिंग द रोड, सड़क को पार करने से पहले, फर्स्ट लुक राइट, पहले दाएं तरफ देखें, देन लुक लेफ्ट, फिर बाएं तरफ देखें, लुक राइट अगेन, दोबारा राइट, दाएं तरफ देखें, लिसन केयरफुली, एहतियात से सुने, इफ़ देयर इज़ नो ट्रैफिक, अगर कोई ट्रैफिक नहीं है कमिंग, कोई ट्रैफिक आती हुई नहीं है, क्रॉस द रोड, फिर रोड को क्रॉस करें। सेकेंड पार्ट का मतलब क्या है कि अगर आप रोड को क्रॉस कर रहे हैं तो पहले दाएं देखें, फिर बाएं देखें, फिर आगे चलें, फिर पीछे से आगे और दाएं की तरफ देखें, तो इस तरीके से आप सेफ तरीके से रोड को क्रॉस कर लेंगे। नंबर थ्री, व्हेन यू वांट टू क्रॉस अ रोड, जब आप एक रोड को पार करना चाहते हैं, मेक श्योर यू कैन सी बोथ वेज, तो आप ये यकीन रखिए कि आप दोनों तरफ को देख रहे हैं, दोनों रास्तों को देख रहे हैं, वेज मीन रास्ते। डू नॉट क्रॉस फ्रॉम बिहाइंड अ पार्क व्हीकल, पार्क व्हीकल मीन जो अहाते में खड़ी जो गाड़ी होती है, तो उसके सामने से कभी भी रोड को क्रॉस मत करें, कभी भी रोड को पार मत करें। नंबर फोर, नेवर प्ले ऑन और नियर अ रोड, कभी भी एक सड़क पर या सड़क के नज़दीक ना खेलें। यानी अक्सर बच्चे सड़क के नज़दीक, उनके घर होते हैं तो अक्सर सड़क के नज़दीक वो खेलते रहते हैं, तो सड़क के नज़दीक भी नहीं खेलना और सड़क पर भी नहीं खेलना। नंबर फाइव, नेवर ट्राई टू गेट ऑन अ मूविंग व्हीकल, किसी भी हरकत वाली गाड़ी पर से चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अक्सर गाड़ियाँ जाती रहती है और बंदा उस पर चढ़ जाता है, फिर नीचे भी इसी से मूविंग व्हीकल से उतरता है, तो ये आपकी सेफ्टी के लिए ये बात है कि आपने मूविंग व्हीकल पर नहीं चढ़ना होता। लास्ट वन, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पर चलते रहें। इफ़ देयर इज़ नो फुटपाथ, अगर कोई फुटपाथ नहीं है, वॉक क्लोज टू द साइड ऑफ द रोड, तो सड़क के एक तरफ पर, क्लोज मीन नज़दीक चलें, यानी सड़क